देख सकते हैं आप, चार मीनार बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड के अंदर जो है कचरे को जो है कोई आँच लगा दी, फायर ब्रिगेड का हमला आके जो है इसको बुझा रहा है। देख सकते हैं आप कितना कचरा है यहाँ पर। हम प्रीवियस में भी बताए थे कि यहाँ पर जो है पार्किंग है, कईयों गाड़ियाँ हैं, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता, लेकिन बल्दिया VHMC जो है कोई इस पर जो है एक्शन नहीं ले रही। तो देख सकते हैं आप ट्रैफिक वाले भी यहाँ पर ठहरे हुए। जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, जब तक जो है डिपार्टमेंट जो है एक्शन में नहीं आता, हम VHMC कमिश्नर साहब से जो है बाहर हाँ जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या साहब फोन लगा ये? फिर अब ये कुछ अगर यहाँ बड़ा ऐसा हादसा हो गया तो कैसा गाड़ियाँ वाड़ियाँ आए पूरे जी? कौन आप लोग बुलाए? ये पूरी जिम्मेदारी ट्रैफिक वालों की चाहिए क्या? ट्रैफिक वाले रोडा जो है गड़े पड़ गए तो उन लोग जो है करना, मेनोला उन लोग जुटाना, पानी भर गया तो ट्रैफिक वाले रोड पे रह के काम करने वाले पूरा हर डिपार्टमेंट को जो है ट्रैफिक वाले सपोर्ट करना है, समझिए आप। ये देख सकते हैं आप कितना धुआं, कितना पोल्यूशन। चार मीनार बस स्टैंड की इतनी बड़ी प्लेस को जो है देख सकते हैं आप किस तरह जो है यूटिलाइज किया जा रहा है। यहाँ पर टूरिस्ट आते, छोटे बच्चे आते, लेडीज आते, कुछ बड़ा इंसिडेंस ना हो जाए VHMC हरकत में आए, इस बस स्टैंड का कुछ ना कुछ हल निकाले। या कचरे का अंबर इस तरीके से जो है ये कचरा डंपिंग यार्ड की तरह जो है यहाँ पर कचरा जो है ला के डाला जा रहा है पूरे शहर का। देखिए फायर ब्रिगेड इतनी मेहनत करने के बाद भी जो है आँच का आलम देखिए कचरे का जो है जल रहा है। देखिए आप ये पूरा डिपो के अंदर का बदला रहे हैं। ये इन गेट है तो ये रास्ते से जो है टूरिस्ट आते पार्किंग के लिए आउट गेट जाते आते लोग। देख सकते हैं आप एक और एक जैसे बड़ा सा इंजन आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। दिन और रात की जो है बराबर जो है वीडियोस आ रहे हैं। तो देखिए आप इतनी बड़ी प्लेस, ये प्लेस को अगर जो है आप किस तरीके से गाड़ियाँ जो है गड़ जा रहे हैं,
निकालो। ऐसा काम हो गया, मैनुअल उठाना, पानी भरना, ट्रैफिक वालों का काम हो गया पूरा, वही हो गया। लोग आके बेचारे हमारे भी कंप्लेंट करते, हाँ हमारे रोड पे पानी भर गया तो लोग उठाना, ट्रैफिक जाम हो गई तो उन्हें उठाना, कचरा उठाना बाकी रहेगा। उन लोग अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते, ये लोग आके हमारे को बोलते जी सब अच्छा हो गया, आइए बोल के। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे जी। तो अभी किसकी जिम्मेदारी है? बलिया की जिम्मेदारी है, हटा देना ये। बोलिए फिर आप जोनल कमिश्नर साहब को बोलिए, यहाँ पर इतने गाड़ियाँ हैं, हम कई वक्त वीडियो डाल रहे हैं। देखो आप पूरा पूरा कचरा है वहाँ पे जी, आगे पूरा। यहाँ पर अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन है? देखने वाले ये 50 बार आग लगी है अभी तक, कई बार आग लगे, कई हमेशा बुझाने वाले आगे बुझाने वाले। ये यहाँ पे आग अभी तक 50 बार लगती, ट्रैफिक वाले बुलाते हैं, फायर इंजन वाले आके बुझा के जाते, इससे पहले छुपिया जल गया। फोन लगाए कुछ आप लोगों को मालूम है? कोई का फोन को सिगरेट फेंक देता, फेंक देता, कोई कचरा कोई गाड़ी खींच देता, कोई भी लगाया था, पागला फिरते रहते हैं यहाँ से, ये वो लगाया था। नहीं यहाँ पर इतना लाके कचरा डाल रहे हैं, फिर उठा रहे हैं लोग, पूरे बलिया के लोग डालने लाके कचरा।